हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, कैसे हैं आप सब? होपफुली गाइस आप लोग बहुत बढ़िया होंगे, मैं भी बहुत बढ़िया हूं। गाइस आज आपके लिए मेरे पास है दो न्यूज़, एक गुड न्यूज़ और एक बैड न्यूज़। और वो दोनों न्यूज़ जानने से पहले आपको करना होगा थोड़ा सा वेट, और वेट करते करते आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो गाइज, मैं आपको पहले कौन सी न्यूज़ सुनाऊँ, गुड न्यूज़ या बैड न्यूज़? मैं एक काम करता हूँ, गुड न्यूज़ पहले सुनाता हूँ जिससे मूड थोड़ा सा अच्छा हो जाए, फ्रेश हो जाए, और फिर बैड न्यूज़ सुनोगे तो भी वो डाइजेस्ट हो जाए। तो इसलिए पहले मैं आपको गुड न्यूज़ सुना देता हूँ। तो गुड न्यूज़ ये है गाइज़ कि मैंने अपनी न्यू बाइक बुक कर दी है। जी हाँ गाइज़, मुझे पता है आप लोगों को भी काफ़ी खुशी हो रही होगी ये जान के कि मैंने अपनी बाइक बुक कर दी है। और वो कौन सी की है ये मैं अभी आपको नहीं बताऊंगा, क्योंकि वो मैं आपको जिस दिन बाइक मैं लूँगा उसी दिन रिवील करूँगा। तो अभी आपके लिए गुड न्यूज़ ये है कि बाइक बुक हो चुकी है, तो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ मैं अभी। एंड आई नो गाइज, आप लोगों को भी ये न्यूज़ सुनते ही बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रही होगी कि कौन सी बाइक है, कब आने वाली है, कौन सी बाइक बुक की है, कलर कौन सा है, मॉडल कौन सा है, वगैरह वगैरह। तो गाइज़ वेट एंड वॉच। सबसे पहले तो यही नहीं हो पा रहा था कि मैं कौन सी बाइक लूँ, और फिर वो डिसाइड हुआ तो मैंने बाइक बुक कर दी है। बट थोड़ा सा आपको वेट और करना पड़ेगा जानने के लिए कि कौन सी बाइक है, बट ये फाइनल है कि हाँ बाइक बुक हो चुकी है। तो ये जो मोमेंट है ये मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है, क्योंकि जिसका बहुत दिनों से वेट कर रहे थे वो फाइनली आज मैंने कर दी है। और मैं तो उस दिन का वेट कर रहा हूँ जिस दिन मेरे हाथ में बाइक आ जाएगी, मैं उसको राइड कर रहा हूँ और आपको दिखा चुका हूँ कि मैंने ये बाइक ली है। मैं उस स्पेशल मोमेंट का वेट कर रहा हूँ, एंड आई थिंक आप लोगों में भी उस चीज़ को लेकर एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही होगी, क्योंकि वेट ही इतना कर लिया है हम लोगों ने। तो आपका और मेरा वेट अब बहुत ज़्यादा दिन का नहीं रह गया है, बुक तो हो चुकी है, बस अब बाइक आएगी और आप लोग देख के सरप्राइज़ भी हो जाओगे, क्योंकि बाइक है ही कुछ ऐसी। और बहुत सारे लोगों ने तो सोचा भी नहीं होगा कि मैं ये वाली बाइक लूँगा, बट बिलीव मी गाइज आप लोग बहुत ज़्यादा खुश हो जाओगे जान के कि मैंने कौन सी बाइक ली है। तो गाइज अब मैं आपको बताता हूँ कि बैड न्यूज़ क्या है। ऐसा कोई वो बैड न्यूज़ नहीं है, बस चलिए मैं बता ही देता हूँ आपको सस्पेंस क्या रखना है। गाइज बैड न्यूज़ ये है कि मैंने बाइक तो बुक कर दी है, बट जो उसका वेटिंग पीरियड है वो बहुत ज़्यादा है, लाइक 15-30 डेज तक का उसका वेटिंग पीरियड है। जब मैं बाइक चूज़ कर रहा था, जब मैं बाइक डिसाइड कर रहा था कि कौन सी लेनी चाहिए, तो मैं शोरूम पे गया था और तब इस बाइक का जो वेटिंग पीरियड चल रहा था वो चल रहा था 7-10 डेज। बट इसकी डिमांड को देखकर, इसको लोग बहुत ज़्यादा बुक कर रहे हैं, पसंद भी बहुत कर रहे हैं इस बाइक को, तो इसकी डिमांड को देखते हुए लोगों ने इसको बहुत ज़्यादा बुक किया है, जिसकी वजह से इसका वेटिंग पीरियड है वो बढ़ गया है। 7-10 डेज का जो पहले वेटिंग पीरियड था अब वो 15-30 डेज तक का हो गया है। तो बाइक तो बुक हो गई है, बट उस बाइक को लेने के लिए अभी हमारे को 15-30 डेज का वेट करना पड़ेगा। तो ये बात है, ऐसी कोई बैड न्यूज़ नहीं है ये। आप लोग भी सोच रहे होंगे कि ये कोई बैड न्यूज़ नहीं है, इतना तो वेट करना ही पड़ता है किसी भी चीज़ को लेने के लिए। बट जो ये वेटिंग पीरियड है ना, ये बहुत, एक तो इतनी ज़्यादा एक्साइटमेंट है न्यू बाइक की, और ऊपर से इतना वेट करना पड़ जाता है, तो ये चीज़ है ना, हम मेरे जैसे लोग डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं कि यार इतना वेट कैसे करेंगे। एंड आई नो आप लोग भी समझ रहे होंगे मेरी एक्साइटमेंट को कि होता है यार जब इतने दिनों से किसी भी चीज़ का वेट करो, और वो चीज़ हमें पता है कि आने वाली है, और शोरूम पर जाके देखते हैं तो खड़ी भी मिलती है सामने, बट हम ले नहीं सकते हैं क्योंकि किसी और ने बुक कर रखा है उसको पहले से, तो पहले उसको मिलेगी फिर हमें मिलेगी। तो ये जो टाइम है ना, ये थोड़ा सा ऐसा ही रहता है, मैं क्या बताऊँ इसके लिए। एंड गाइज मुझे पता है कि मुझे जितनी एक्साइटमेंट है उतनी ही एक्साइटमेंट आप लोगों को भी है। आप लोगों के मेरे को बहुत सारे मैसेजेस आते थे इंस्टा पे कि भाई आप न्यू बाइक कब ले रहे हो, कौन सी ले रहे हो, कब आने वाली है, कितना और वेट करना पड़ेगा। तो गाइज़ मुझे पता है आप लोगों को मुझसे ज़्यादा वेट है मेरी न्यू बाइक का, तो आपको ये जान के बहुत ही अच्छा लगा होगा कि बाइक बुक हो चुकी है, और इतना वेट आप लोगों ने मेरे लिए किया है, बाइक के लिए किया है, तो थोड़ा सा वेट और कर लो, जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे ही कर लो, हो नहीं पा रहा है मुझे पता है, बट फिर भी कर लो।
एंड गाइज आई एम श्योर कि आप लोग भी देख के बहुत ज़्यादा खुश हो जाओगे। जो भी मेरी बाइक आने वाली है, इतना जो वेट किया है आप लोगों ने वो वेस्ट नहीं जाएगा, बल्कि वर्थ रहेगा कि हाँ एक बहुत ही स्पेशल बाइक आ रही है। और मुझे पता है आप में से बहुत सारे लोगों को लग ही नहीं रहा होगा कि मैं ये वाली बाइक लेके आऊँगा, और हो सकता है दो तीन लोगों को लग रहा हो तो उनका गैस हो सकता है बहुत सही जाएगा, बट ज़्यादातर लोगों को 90% लोगों को बिल्कुल भी आइडिया नहीं होगा कि वो बाइक आने वाली है। तो जो लोग मेरे को इंस्टा पे मैसेज करके पूछते हैं बार बार, तो गाइज़ आपको थोड़ा सा और वेट करना पड़ेगा, और इंस्टाग्राम पे मेरे को फॉलो कर लो जिन्होंने नहीं किया है। हो सकता है जो मैं बाइक रिवील कर दूँ वो इंस्टा पे पहले कर दूँ और यूट्यूब पे बाद में आए उसकी वीडियो। तो इंस्टा पे जिन्होंने मेरे को फॉलो नहीं किया है वो फॉलो कर लो, और हम सब मिलके साथ में वेट करते हैं अपनी न्यू बाइक का। तो चलिए गाइस इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं। आई होप आप सबको ये ब्लॉग बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट कर देना, एंड चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन स्टे सेफ स्टे हेल्दी, बाय बाय।